एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल तो जो भी बी एस सी फर्स्ट ईयर के हमने कुछ चैप्टर कम्प्लीट किए थे उसका ही हम एक और नया चैप्टर जो है वो कम्प्लीट करेंगे जो है एल्गल ठीक है अब देखो एल्गा क्या होता है जो आ, बीच में ये बता दूँ कि जो जिम्नोसपम्स के पार्ट बचे हुए हम एल्गा कम्प्लीट करेंगे इसके बाद हम बाकी चैप्टर्स कम्प्लीट करते जाएंगे जैसे फंगी के बारे में एनजियपम्स के बारे में जो जिम्नोसपम का कुछ पार्ट बचा हुआ है वो हम बाद में कवर करेंगे ठीक है तो लेट्स बिगिन आर टॉपिक अबाउट एल्गा ठीक है अब एलगा क्या होता है देखो जब भी तुम ऐसी जगह पे कहीं जाते हो जहाँ पे जैसे कि तालाब के बगल में है ना तुम देखे होगे कि जैसे नदियों में जो पत्थर पड़े होते हैं उन सब में ज़्यादातर क्या होता है एक ग्रीन कलर की लेयर होती है बहुत चिकनी सी लेयर होती है ठीक है उसको हम क्या कहते हैं एल्गा उसको हम क्या कहते हैं काई उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं तो लेट्स बिगेन आवर टॉपिक पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मतलब इस पीपीटी को इस लेक्चर को देखने के बाद आपको क्या क्या पता चलेगा पहला इंट्रोडक्शन जैसे कि आपको कभी कभी क्वेश्चन आता है ना राइट एस ऑन एल्गा है ना इन सब चीज़ों के लिए अगर आपको कुछ वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको वॉट इज़ स्टडी ऑफ एल्गा ये सब वर्ड्स uh, अगर जानने होंगे तो आप ये इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे फिर आता है जनरल कैरेक्टर्स जनरल कैरेक्टर्स का क्या मतलब होता है जैसे कि अगर एल्गी है, है ना तो बहुत तरीके अलग अलग तरीके के अलगी होते होंगे है ना जैसे बहुत सारे तरीके के इंसान होते हैं पर हर इंसान की के बारे में अगर आपको बताना है तो आप बताओगे कि उसकी दो आंखें हैं दो कान हैं दो पैर हैं दो हाथ हैं ये जनरल कैरेक्टर आ गया स्पेशल कैरेक्टर का क्या मतलब होता है अगर आप उसमें से कुछ स्पेशल आदमियों के बारे में बात करते हैं जैसे आपने विवेकानंद के बारे में बात की महात्मा गांधी के बात बारे में बात की भगत सिंह के बारे में बात की तो ये क्या है कुछ स्पेशल ह्यूमन बींग्स है कुछ स्पेशल आदमी तो इनको हम क्या करेंगे स्पेशल कैरेक्टर्स में रखेंगे कि ये कुछ लोग थे जिनमें स्पेशल कैरेक्टर था ठीक है फिर हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है हम किस तरीके से जो है एलगी को अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं फिर हम उसमें थ्री टाइप्स ऑफ एल्गा के बारे में पढ़ेंगे ये जो चैप्टर है इसमें हम तीन टाइप की एलगी के बारे में पढ़ने वाले हैं ठीक है पहला कौन सा है ग्रीन एल्गा, दूसरा कौन सा है रेड एल्गा और तीसरा कौन सा है ब्राउन एल्गा ठीक है इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं तो देखो इंट्रोडक्शन में क्या देखना है कि जो एल्गी हैड कैन बी रिफर्ड एज अ प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट इज़ थैलेस लाइक इसका क्या मतलब हुआ जो एल्गी होती है वो है प्लांट जैसी वो है पेड़ पौधों जैसी पर एग्जैक्टली exactly पेड़ पौधे जैसी नहीं है मतलब देखो अगर तुमको पेड़ के बारे में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा तुम पेड़ की जब बात करते हो तो तुमको क्या दिखता है ग्रीन ग्रीन सा स्ट्रक्चर हरा हरा सा स्ट्रक्चर बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जिनका जो स्टेम होता है वो ज़्यादातर पत्तियों से ढका हुआ होता है जैसे झाड़ वाली बातें कर लें जो झाड़ होती है जो हर्ब होते हैं जो शर्ब्स होते हैं है ना इनमें आपको ज़्यादा डिस्टिंगस नहीं देखने को मिलता है स्टेम और के ठीक है तो जो एल्गी होती है वो प्लांट लाइक -like है पर एग्जैक्टली प्लांट लाइक नहीं है अब एग्जैक्टली प्लांट लाइक क्यों नहीं है क्योंकि उसमें डिवीजन नहीं है उसमें तुम अगर तुम किसी एल्गी को देखते हो तो तुमको समझ में नहीं आता कि इसमें स्टेम कहाँ है इसमें रूट कहाँ है इसमें लीव कहाँ है उसमें एक लीव लाइक स्ट्रक्चर ऐसा ग्रीन ग्रीन सा दिखता रहता है बस ठीक है तो इसलिए जो एल्गी है वो है प्लांट लाइक -like. वो है प्लांट लाइक -like मतलब वो प्लांट जैसी है पर वो एग्जैक्टली exactly प्लांट नहीं है इसको इसलिए हम इसको क्या कहते हैं थैलेस कहते हैं दूसरा द साइंस of algae is known as phycology or Algeology. Take जो ये स्टडी होती है जैसे अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं एल्गी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं हम फाइकोलॉजी कर रहे हैं या फिर एल्गियोलॉजी कर रहे हैं हम क्या कहेंगे या तो हम फाइकी के बारे में पढ़ रहे हैं या तो हम एल्गी के बारे में पढ़ रहे हैं लॉजी का मतलब होता है स्टडी जैसे बायोलॉजी लॉजी का क्या मतलब हुआ पढ़ने वाला ठीक है लॉजिस्ट का क्या मतलब होता है जिसने पढ़ा लॉजी मतलब पढ़ जो हम पढ़ रहे हैं लॉजिस्ट मतलब पढ़ने वाला जैसे हम फाइकोलॉजी पढ़ रहे हैं और हम फाइकोलॉजी पढ़ रहे हैं इसलिए हम कौन है फाइकोलॉजिस्ट ठीक है जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है फाइकोलॉजी जो पढ़ रहा है मतलब मैं मैं क्या हूँ फाइकोलॉजिस्ट ठीक है फिर उसके बाद द वर्ड फाइकोलॉजी डराइव फ्रॉम फाइकस फाइकस क्या है लेटिन वर्ड है ठीक है तो एक लैटिन वर्ड था फाइकस उसका मतलब था सी वीड्स सी वीड्स का क्या मतलब होता है समुद्री खरपतवार ठीक है जैसे कि तुम देख लो जैसे एग्रीकल्चर ठीक है जब हम लोग कोई पेड़ बोते हैं तो उसके आसपास भी छोटे छोटे पेड़ उग जाते हैं अपने से जो कि हम चाहते नहीं हैं उगे लेकिन वो खुद उग जाते हैं है ना तो ऐसे ये जो एलगी होते हैं इसको कोई उगाता नहीं है मतलब जनरली लोग नहीं उगाते कि चलो यहाँ पे हम काई लगवा देते हैं ऐसा नहीं करते पर वो खुद उग जाते हैं इस और ज़्यादातर कहाँ उगते हैं सी के पास जगह के पास इसलिए इसको हम क्या कहते हैं सीवीड्स ठीक है समझ में आया इतना उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गा ये क्या है जनरल कैरेक्टर्स ठीक है ये जनरल है पहला ये फोटोसिंथेसिस तो करते हैं अब नॉर्मल सी बात है अगर वो ग्रीन है ठीक है तो उसमें क्या होगा क्लोरोफिल क्लोरोफिल है तो क्या होगा क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस शो करेगा ठीक है दूसरी ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं जैसे इंसान है इंसान कभी यूनिसेलुलर नहीं हो सकता वो क्या है मल्टी सेलुलर वैसे इंसान एक टाइम पे यूनिसेलुलर होता है पर तब वो इंसान नहीं होता ठीक है तो क्या है मल्टी सेलुलर और यूनि सेलुलर दोनों हो सकते हैं दूसरा ये जो एल्गा है इसका जो सेल जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइंड नहीं है क्यों डिफाइंड नहीं है क्योंकि उस आई एम सॉरी उसका जो स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले उससे हमको क्या पता चला था कि उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें कहीं स्टेम दिखता नहीं है कहीं रूट दिखता नहीं है सिर्फ हरा हरा दिखता रहता है पूरा स्ट्रक्चर ग्रीन दिखता रहता है इसलिए क्या है वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है उसका एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर है विच इज़ नॉट वेल डिफाइंड ये लिख सकते हो आप ठीक है ये जनरली ऐसी जगह पर पाया जाता है जहाँ पर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर या वाटर प्रेजेंट रहता है एडिक्वेट मतलब सफिसियंट अमाउंट में एक बहुत ज़्यादा जैसे कि अभी अभी किसी आप काफ़ी लोग ऐसी जगह पर जाते हैं जैसे खंडहर जैसी जगह पर है ठीक ठीक है अगर वहाँ पे बहुत टाइम से सीलन आ रही है तो वहां पे पानी भरा नहीं होता वहां पे पानी रहता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है वहां पे पानी की मौजूदगी का के कारण एलगी लग जाती है ठीक तो है तो एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ अगर वाटर है तो वहां पर क्या हो जाएगा एलगी आ जाएगी ठीक है रिपोडक्शन बहुत सेक्शुअल और रिसेक्शुअल मैनर से हो सकता है ये ज़्यादातर क्या है फ्री लिविंग है बट कैन फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज़म्स इसका क्या मतलब हुआ वो फ्री लिविंग है फ्री लिविंग क्यों है वो खुद खाना बना के रह सकते हैं पर अगर उनका मन हो तो वो किसी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी रह सकते हैं जैसे कि मान लो कि आ, कोई इंसान है ठीक है उसको खाना बनाना आता है उसको सब काम करना आता है खुद का तो हो सकता है कि वो अकेले रह वो अकेले रह सकता है पर कभी कभी अगर वो थक जाता है या डिफरेंट कंडीशन में जैसे वो बीमार पड़ जाता है या फिर उसका मन नहीं करता तो वो हेल्प के लिए अब कोई बाई आंटी लगवा सकता है कि आप हमारे कपड़े धो दो, दो या आप हमारे लिए खाना बना दो ठीक है ऐसे ही क्या है अलगा को खाना बनाना आता है वो अकेले रह सकता है पर कभी कभी वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से आपको कौन सी रिलेशनशिप आती है यार? एलगी और फंगस की उस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं सिम्बैटिक रिलेशनशिप और उन दोनों को एक साथ क्या कहते हैं लाइक अगर आपको याद नहीं हो तो हम लोगों ने ये पढ़ा था दोबारा पढ़ लेना ठीक है ऑलमोस्ट ऑल एल्गार जेनेटिलियज आर यूनिसेलुलर एक्सेप्ट फ्यूज कुछ कुछ में जो जेनेटीलियाज होते हैं वो यूनिसेल्युलर नहीं होते ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है ये स्टार टॉपिक है क्यों क्योंकि रिप्रोडक्शन में हम इस टर्म के बारे में पढ़ेंगे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ठीक है इसको याद रखना फिर आते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स अब हम भगत सिंह वाले लोगों की बात कर रहे हैं ठीक है ये जनरली ग्रीन होती है बट इनमें बहुत सारे डिफरेंट कलर्स भी पाए जाते हैं ठीक है मतलब कि हमेशा जब हम एलगी देखते हैं तुम ज्यादातर जो एलगी देखोगे जो आसानी से उग जाती है कहीं पे भी उस वो कौन से कलर की होती है ज्यादातर ग्रीन कलर की होती है पर जरूरी नहीं है कि सारे ग्रीन कलर के हों कुछ और और भी कलर्स की होती है जैसे येलो ग्रीन कलर की होती है थोड़ा येलो कलर की होती है ठीक है ब्राउन होती है रेड होती है ब्राउन और रेड और ग्रीन के बारे में तो हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं तो ये चीज़ याद रखना फिर को एक एल्गी होती है वो कैरेटनोइड्स पिगमेंट होते हैं उनमें ठीक है ये क्या ये स्नो में उगती है बर्फ वाली जगह में उगती है तो ये कैरेटोनोइड पिगमेंट की वजह से ये रेड कलर की दिखती है ठीक है तो इन इनको डिस्टिंग्विश करना इनको पहचान पाना इजी हो जाता है क्यों रेड कलर आपको बहुत दूर से दिखता है इसीलिए जो डेंजर का साइन होता है वो हमेशा रेड कलर से बनाया जाता है ठीक है कुछ एलगी होती हैं वो मैग्ज़ोफाइसी क्लास की होती हैं मैग्जोफाइसी क्लास की एलगियों की ख़ासियत ये है कि ये बैक्टीरिया जैसी दिखती हैं ठीक है ये बहुत ज़्यादा किसके जैसी दिखती हैं बैक्टीरिया जैसे सिमिलर टू बैक्टीरिया होती हैं अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब कि जब हम किसी चीज़ को विभाजीकरण करते हैं विभिन्नता में बांटते हैं तो उसका कोई एक मेन uh, प्रिंसिपल होना चाहिए जैसे तुम्हारे पास पचास बच्चे हैं तुमको उनको डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में कक्षाओं में बांटना है तो तुम किस बेसिस में बांटोगे? पहला तो तुम ये देखोगे कि हो सकता है तुम इस हिसाब से बांटो कि जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है वो बड़ी कक्षा में जाएगा जिसके पास कम नॉलेज है वो छोटी कक्षा में जाएगा तुम दूसरा ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो कि जो एक एक एज के हैं वो सब एक साथ ठीक है जैसे कि कोई 12 साल के हैं तो 12 साल के बच्चे एक साथ 10 साल के बच्चे एक साथ 18 साल के बच्चे एक साथ ऐसे डिवाइड किया जा सकता है या ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि कौन कौन इंग्लिश अच्छा जानता है कौन कौन हिंदी अच्छा जानता है कौन कौन मराठी अच्छा जानता है कौन कौन बंगाली अच्छा जानता है इस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो ऐसे जब एलगा को क्लासिफाई किया जाता है तो उसमें कुछ बेसिस होते हैं नीट का भी क्वेश्चन ये आया था या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का ठीक है तो एलगा के बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या क्या होता है कि जो एल्गा है, उसमें पिगमेंट कौन से हैं कौन से कलर का है रेड कलर का है ब्राउन कलर का है पिंक कलर का है कौन से कलर का है ठीक है फिर नेचर ऑफ पिगमेंट कैसा है फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है उसमें स्टोर्ड मटेरियल क्या है जिसे हम कुछ खाना खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है ग्लूकोज के फॉर्म में ठीक है ऐसे ही जब ये खाना खाते हैं प्लांट खाना खाते हैं तो उनकी बॉडी में भी स्टोर हो जाता है खाना स्टार्च के फॉर्म में ऐसे ही जो ये हैं एलगी हैं वो किस फॉर्म में खाना स्टोर कर रहे हैं उसके बेसिस में कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल जिनका सेल वॉल है वो किससे मिलकर बना हुआ है ठीक है और अगर है और ये भी देख, देखा जाता है कि किसी किसी में नहीं होता तो अगर है और नहीं है या फिर अगर है तो कौन सा वाला सेल वॉल है ठीक है सेलुलर स्ट्रक्चर में मॉर्फोलॉजी ऑफ थैलस में थैलस का मतलब वही ग्रीन स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी ऑफ थैलिस का मतलब वो दिखने में कैसा है ठीक है दो 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 एटम है एक सेल में ब्रांच है नहीं है ब्रांच इस बेसिस में और रिप्रोडक्टिव बिहेवियर में ई सेक्शल रिपोडक्शन चो कर रहा है या सेक्शुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा है ठीक है अब क्लासिफिकेशन देख लो बेसिकली कितने टाइप में डिवाइडेड होता है नाइन टाइप्स में ठीक है इसमें से हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं क्लोरोफाइटा फाइसो रोटोफाइसी और फाइटोफाइटा फाइसोफाइटी ठीक है ये पॉलीफाइटिक होते हैं इन और पॉलीफाइटिक का मतलब होता है कि जैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज से इवॉल्व होकर बने हैं ये अलग अलग डिफरेंट लाइन ऑफ ओरिजिन से बने हैं जैसे कि ह्यूमन को ह्यूमंस को क्या माना जाता है कि बंदर से बने ठीक है फिर वो बनते एक ही जैसे बंदर ने एक इंसान को पैदा किया अब इन इंसान ने थोड़े और इंसान ने फिर इसने और इंसानों को इसने एक इंसान को तो ऐसा क्या हुआ इसने इसने दस इंसानों को पैदा कर दिया अब दस ने पंद्रह को पंद्रह ने बीस को ऐसे क्या हुआ एक ही लाइन ऑफ रिवोल्यूशन बनी रही पर एलगी में ऐसा नहीं है एलगी में इसने इसको पैदा किया इसने इसको पैदा किया इसने इसको पैदा किया तो क्या है बहुत सारे लाइन ऑफ जो है वो ओरिजिन है इसीलिए एक दूसरे से डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है ठीक है कुछ ग्रीन एलगी बन गए ठीक है कुछ कैसे बन गए ग्रीन एलगी उसमें से कुछ यूनि हुए कुछ मल्टी हुए फिलामेंटस फॉर्म के हुए पैरन फॉर्म के हुए पैरनकाइमा क्या है टीशू है सिंपल टीशू है ठीक है याद रखना फिर प्रमेटिव मेंबर्स जो हैं जैसे क्लाइडोमोनाज ठीक है ये रिलेटेड टू जेनराज इनमें आई स्पॉट और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है कॉन्ट्रेक्टाइल का क्या मतलब है ऐसा वैक्यूल जो बड़ा और छोटा हो पाए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किस चीज़ में काम करता है वैक्यूल जो वैक्यूल का क्या मतलब होता है खाली स्पेस खाली स्पेस किस चीज़ के लिए अगर ह्यूमन में किसी भी कोई भी जो जीवाणु है अगर उसमें खाली स्पेस होगा तो वो किस चीज़ के काम आएगा खाना रखने में या वेस्ट रखने में ठीक है तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का भी यही काम होता है अब डिफरेंस बिटवीन थ्री मेजर अल्गाज आई डोंट नो यहाँ पे इमेज क्यों नहीं शो कर रहा है ये ग्रीन अलगा होता है ये ब्राउन अलगा होता है और ये रेड अलगा होता है ठीक है ये आप सर्च कर लेना ब्राउन एलगा के इमेज ठीक है तो ये तीन डिफरेंट वाले के बारे में हम पढ़ने वाले हैं अब ग्रीन एल्गा ग्रीन एल्गा को हम कहते हैं क्लोरोफाइटा ठीक है इस डिवीजन को हम क्या कहते हैं क्लोरोफाइटा हमने अपने हिसाब से तो रख दिया कि चलो ठीक है ये कौन है ये ग्रीन एल्गा है ये हरा कलर का दिखता है पर उसको कहते क्या हैं उसको कहते हैं क्लोरोफाइटा ठीक है इसकी जो बॉडी होती है ये यूनीसेलुलर भी हो सकती है मल्टी सेलुलर भी हो सकती है इसका जो थैलेस है थैलेस मतलब थैलेस मतलब इसकी पूरी बॉडी मान लो ठीक है ठीक है तो ये ऐसी भी हो सकती है और हो सकता है ये ऐसी भी हो ठीक है ब्रांच्ड हो देखो ब्रांच जैसा बनाने की कोशिश की है मैंने ठीक है तो ये ऐसा भी हो सकता है जो मेजर जो सेल वॉल जो मेजरली बन के बना होता है वो किससे बना होता है सेलुलोज से इसमें क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी और बीटा कैरोटोनॉयड होता है हमेशा लिखते कैसे हैं बीटा ऐसे लिखते हैं ठीक है बी बनाओ और बी के नीचे वाली डंडी लंबी कर दो ठीक है तो बीटा कैराटोनोइड होता है फिर ब्राउन अलगा फाइकोफाइटिंग ये मल्टी सेलुलर होता है मॉर्फोलॉजी में कॉम्प्लेक्स थलाई होता है जो उसका थैलस होता है थैलस सिंगुलर है थैलाई आई थिंक थैलाई सिंगुलर है ठीक है तो ये क्या होता है मल्टी ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर शो करता है जो सेल वॉल है वो ज़्यादातर सेलुलोज और एल एसिड से मिलकर बना होता है इसमें क्लोरोफिल ए सी बीटा कैरेट्रॉइट और फ्यूकोजेंथोनिल जो है वो प्रेजेंट होता है रेड एल्गा रोडोफाइसिस को कहते हैं मल्टी सेलुलर सिंपल और कॉम्प्लेक्स थैलाई इसमें सिंपल या फिर कॉम्प्लेक्स थैलस आपको देखने मिल सकता है सेल वॉल मेजर कम्पोनेंट सेल्यूलोज ही होता है इसमें क्लोरोफिल ए ए डी बीटा कैरोनोइट और जेंथो जेंथोनम होता है जेंथमियम होता है ठीक है फिर इसमें फाइकोबिलिनिन प्रोटीन मिलता है जो है फाइकोसाइनिन और फाइकोरेन ठीक है स्टोर्ड फ्लोरेड फ्लोराइन फ्लोरिडिन स्टार्च और ऑयल ये जो होता है ये जो रेड एल है उसमें प्रेजेंट रहता है दैट्स ऑल फॉर टुडे मुझको लगता है आपको पसंद आया होगा थैंक यू का फॉन्ट छोटा हो गया है बट बहुत बड़े दिल से थैंक यू लिव लाइफ लव लाइफ टेक केयर बाय बाय सब्सक्राइब करना